एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन परीक्षा का दौर चल रहा है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको जो है विभिन्न जनपदों में जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उस पर शिक्षण संग्रह से संबंधित प्रश्न लेकर के आऊँगा और आज मैं वो प्रश्न लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न जो विभिन्न जनपदों में पूछे गए हैं मिशन प्रेरणा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के तहत। तो आइए देखिए, मेरे पास और भी प्रश्न हैं लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं उसको अगली वीडियो में आपके लिए भेजूंगा। तो शिक्षण संग्रह पर आधारित विभिन्न जनपदों में पूछे गए 50 की जगह आप 30 समझिए, 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको आप लोग देख लीजिए और इसे तैयार भी कर लीजिए। अगर मेरा चैनल या मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक आपके लिए एक खूबसूरत जो है गूगल फॉर्म लेकर आया हूँ। मिशन प्रेरणा ऑनलाइन एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, इसमें 50 प्रश्न तो नहीं है क्योंकि 50 प्रश्न बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें 30 ही प्रश्न लेकर आया हूँ। बाकी प्रश्न जो है मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आइए हम बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल और आधारशिला मॉड्यूल दोनों में 6 भाग हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 भाग, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण कौन करेगा? तो शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण आपका जो है पहले पेज पर ही दिया हुआ है, ब्लॉक स्तर पर ARP, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स और खंड शिक्षा अधिकारी, यानी यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, उपायुक्त सभी। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक परीक्षण नहीं बल्कि पर्यवेक्षण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कौन करेगा? ब्लॉक स्तर पर ARP, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, खंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिले के जिलाधिकारी। तो इस प्रश्न का आंसर है विकल्प नंबर 3, खंड शिक्षा अधिकारी। फिर आगे बढ़ते हैं और आपके लिए चौथा प्रश्न देखिए, किसके द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों व शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ, ब्लॉक स्तर पर ARP, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, खंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिले के जिलाधिकारी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, खंड शिक्षा अधिकारी। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करने और बच्चों की शैक्षिक प्रगति संप्राप्ति स्तर में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करने का अधिकार किसको दिया गया है? अभिभावकों को, लेखपालों को, प्रधानाध्यापकों को या फिर खंड शिक्षा अधिकारियों को? तो बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब 3 सही है, यानी प्रधानाध्यापकों को जो है बैठक करने का और मूल्यांकन करने का अधिकार दिया गया है। छठा प्रश्न है, अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराने का कार्य किसे सौंपा गया है? ग्राम प्रधानों को, सफाई कर्मियों को, प्रधानाध्यापकों को या फिर छात्रों को? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों विकल्प नंबर 3, प्रधानाध्यापकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को किससे प्रदर्शित किया गया है? किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? संख्याओं द्वारा, हिंदी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जवाब है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, A से Z तक के लेटर द्वारा दिखाया गया है। फिर आगे आते हैं, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने पायदान हैं? तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में A से Z तक 26 लेटर होते हैं, कुल 26 पायदान है, ऑप्शन 1 आपका राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर N का मतलब क्या है? अक्षर N का मतलब अधिगमकर्ता को जानिए, परस्पर बातचीत, प्रतिपुष्टि, सफलता का अनुभव। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट है, परस्पर बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता किन विषयों में पड़ती है? तो आपको मालूम है भाषा, गणित, विज्ञान व परिवेशी अध्ययन, उपर्युक्त सभी। तो मॉडल की आवश्यकता ज़्यादातर विज्ञान व परिवेशी अध्ययन में पड़ती है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। फिर अगला है, CWSN का
क्या मतलब होता है, ठीक है। तो CWSN का मतलब है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी तीव्र बुद्धि वाले बच्चे, शरारती बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक को किसकी तरह बच्चे की अधिगम प्रक्रिया व उसकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है, डॉक्टर की तरह, एक्सरे टेक्नीशियन की तरह, कुम्हार की तरह या फिर मित्र की तरह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है एक्सरे टेक्नीशियन की तरह। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, यह कथन किसको आत्मसात करना चाहिए, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, प्रशासन को या फिर शिक्षकों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों ऑप्शन 4, यानी कि शिक्षकों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण योजना के कितने प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, 5, 6, 7 या 4। तो शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु हैं 6, ठीक है, 6 बिंदु दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अच्छे की पहचान करें योजना का निर्माण, खाली स्थान पर क्या आएगा, बच्चे, प्रधानाध्यापक, शिक्षक या विद्यालय प्रबंध समिति। तो अच्छे शिक्षक की पहचान, यानी यहाँ पर शिक्षक आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने 16 है, शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग हैं, 5 भाग, 4 भाग, 6 भाग या फिर 8 भाग। तो शिक्षक डायरी में मुख्यतः जो है 5 भाग हैं, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां होंगी, 50 प्रतियां, 100 प्रतियां, 10 प्रतियां, 20 प्रतियां। जब आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, यानी 50 प्रतियां होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण योजना का प्रारूप जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे, इसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी, 50 प्रतियां, 100 प्रतियां, 10 प्रतियां या फिर 20 प्रतियां। तो इस प्रश्न का आंसर है दूसरा, 100 प्रतियां होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आवश्यकता अनुसार विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के लिए शिक्षक डायरी में कितने रिक्त पन्ने होंगे, 50 पन्ने, 100 पन्ने, 10 पन्ने या फिर 20 पन्ने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो है, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 10 पन्ने होंगे। फिर आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 20, प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया, SCERT लखनऊ, NCERT नई दिल्ली, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज या फिर NCTE। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, NCERT नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, प्रधानाध्यापक हर सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की जा रही है, 15 बच्चों की, 20 बच्चों की, 10 बच्चों की या फिर 5 बच्चों की। तो इसका राइट आंसर है आपका 10 बच्चों की, तीसरा विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विषयवार शिक्षण योजनाओं के उदाहरण किस परिशिष्ट में दिए गए हैं, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3 या फिर परिशिष्ट 4। तो विषयवार शिक्षण योजनाओं के उदाहरण परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा 3 में मौखिक और लिखित कार्य का प्रतिशत कितना कितना होना चाहिए, 70-30, 30-70, 50-50 या 80-20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 50-50, यानी कि 50% लिखित और 50% जो है वो मौखिक कार्य होना चाहिए। फिर 24वां प्रश्न है, कक्षा 2 में बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए प्रतिदिन क्रमशः कितना कितना समय दिया जाना चाहिए, 2 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा या फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा या फिर 1 घंटा, 1 घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों पहला, 2 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा। बोलना के लिए 2 घंटा, पढ़ना के लिए 2 घंटा और लिखना के लिए 1 घंटा दिया जाना चाहिए। 25वां प्रश्न है, कक्षा 2, 3, 4, 5 यानी कक्षा नहीं 2, 3, 4, 5 अध्यापकों पर आधारित सुझावात्मक समय सारणी किस परिशिष्ट में दी गई है, परिशिष्ट 2, 4, 1 या 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी परिशिष्ट 4 में दी गई है। 26वां प्रश्न देखेंगे,
बाल संसद का गठन मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया है? भाग चार, भाग तीन, भाग दो या फिर भाग छः? तो बताना चाहूंगा कि बाल संसद का गठन मॉड्यूल के जो है भाग तीन में दिया गया है, यानी ऑप्शन टू आपका यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि कुल विद्यालय संचालन के न्यूनतम दिवसों में प्रार्थना के लिए निर्धारित न्यूनतम समय की गणना की जाए तो यह समय होगा 55 घंटा, 50 घंटा, 60 घंटा या 70 घंटा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 55 घंटा होगा प्रार्थना के समय को अगर जोड़ेंगे तो। फिर आता है 28वां प्रश्न है, मॉड्यूल के अनुसार सुनंदा किस जनपद की शिक्षिका हैं? हरदोई, प्रयागराज, मुरादाबाद या बलिया? तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि सुनंदा जो है मुरादाबाद की शिक्षिका है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाते हैं? संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थनाएं, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी तथा स्वास्थ्य चर्चा, उपर्युक्त सभी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका ये चौथा जो है सही है, उपर्युक्त सभी। ये सारी चीज़ें जो है सारे क्रियाकलाप प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाएंगे। फिर आते हैं हम, बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। प्रार्थना सभा के लिए किस प्रकार की योजना का निर्धारण आवश्यक है? साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, उपर्युक्त सभी? तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी, यानी साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मुझे सबमिट तो करना नहीं है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके और वो इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं मित्रों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत बड़ा नमस्कार।